तो हम लास्ट वीडियो में कर रहे थे क्वेश्चन नंबर 14, अब हम कर रहे हैं सेक्शन बी का क्वेश्चन नंबर 15। सैंपल पेपर कर रहे हैं हम, पार्ट वाइज मैं करवा रहा हूँ, दो दो तीन तीन क्वेश्चन एक वीडियो में करवा रहा हूँ। आप पूरे पार्ट देखो और आप 2019 में जो आपका एग्जाम है उसके लिए प्रेपरेशन हो जाएगी आपकी, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 15 में क्या बोलते हैं, चूज द करेक्ट आंसर। जिसकी भाई मैक्रो इकोनॉमिक्स ठीक नहीं है वो इस क्वेश्चन को नहीं कर पाएगा। जिसने मैक्रो इकोनॉमिक्स का कुछ पढ़ लिया हुआ है वो आसानी से इस क्वेश्चन को कर सकता है, उतना इसमें कुछ भी नहीं है। मैं बताने वाला हूँ आपको, विच इज द रेवेन्यू रिसीट ऑफ द गवर्नमेंट। चार आपके पास ऑप्शन दिए, उसमें से एक चूज करनी है आपकी कि कौन सी ऐसी रिसीट है जो इसमें से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए रेवेन्यू नेचर की है। सबसे पहले तो याद करो रेवेन्यू नेचर होता क्या है। ऐसी रिसीट जो एक तो रिपीटिंग नेचर की होती है, रेगुलर एंड रिकरिंग नेचर, ठीक है, क्या होती है, रेगुलर एंड रिकरिंग नेचर, ये होगी सबसे पहले आपको। दूसरा इसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो क्या है कि देखो, फर्स्ट क्या बोला इसने जो ऑप्शन दिया, फंड्स रेज्ड बाय द गवर्नमेंट बाय इशूइंग एनएससी नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट। देखो नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट इश्यू कर रहा है, कुछ ना कुछ दे रही है गवर्नमेंट, ठीक है, बिना किसी, अब नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट इश्यू कर दिए, उससे फंड रेज किया है, ठीक है, फंड रेज किया है तो इसका मतलब कुछ लायबिलिटी है। दूसरा देखो, सेल ऑफ 40% शेयर ऑफ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। भाई एक चीज देखो, आप अपने जीने के लिए अपना घर बेच दो अच्छा रहेगा, नहीं तो गवर्नमेंट ने भी क्या किया, पैसा लाने के लिए अपनी अंडरटेकिंग के 40% शेयर बेच दिए। इससे क्या हुआ, एसेट्स कम हो गए उसके, 40% तक उसके एसेट्स कम हो गए। फिर बोलता है प्रॉफिट ऑफ LIC पब्लिक एंटरप्राइज, उसको पब्लिक अंडरटेकिंग से जो प्रॉफिट्स आते हैं, पब्लिक अंडरटेकिंग्स जितनी भी होती है उससे जो प्रॉफिट्स आते हैं वो किस नेचर के होते हैं, वो होते हैं रेवेन्यू नेचर के। ना तो वो प्रॉफिट्स वापस देने हैं कंपनी ने, गवर्नमेंट ने, ना उन प्रॉफिट से कोई लायबिलिटी तैयार हो रही है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये एक ऐसी चीज है, प्रॉफिट इसका करेक्ट आंसर होगा, प्रॉफिट ऑफ LIC अ पब्लिक एंटरप्राइज। गवर्नमेंट अंडरटेकिंग्स के प्रॉफिट्स जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए क्या है, क्या चीज है, पब्लिक अंडरटेकिंग्स के जितने भी प्रॉफिट्स है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए रेवेन्यू नेचर के हो गए, क्योंकि इससे ना तो उसके कोई एसेट्स कम हो गए ना उसकी कोई लायबिलिटी क्रिएट होगी। मतलब बोलने का ये है कि पैसा ले लिया बाद में वापिस भी देना है तो लायबिलिटी क्रिएट होगी, रेवेन्यू नेचर नहीं हुआ, ठीक है। लास्ट देखो, अमाउंट बोरोड फ्रॉम जापान फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ बुलेट ट्रेन, बुलेट ट्रेन की कंस्ट्रक्शन के लिए जापान से लोन लिया, पैसा तो आया बट इन फ्यूचर वापिस देना है, तो इसका मतलब इससे लायबिलिटी क्रिएट हो गई, इसका मतलब ये रेवेन्यू नेचर का नहीं है। तो रेवेन्यू नेचर के कौन से होते हैं कि ऐसी रिसीट जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को आई है जिससे ना तो लायबिलिटी क्रिएट हुई है जो उसने वापिस नहीं करनी है, और दूसरा ना उसके एसेट्स कम हुए हैं। तो इनमें से सब में से क्या है, एक प्रॉफिट ऑफ LIC जो है वो एक ऐसी चीज है, वो एक ऐसी स्टेटमेंट दी है जिससे ना तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए लायबिलिटी क्रिएट हो रही है और ना ही उसके एसेट्स कम हो रहे हैं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा प्रॉफिट ऑफ LIC अ पब्लिक एंटरप्राइज। तो यहाँ पे हमारा ये क्वेश्चन खत्म होता है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।